गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 6th of February है और आज संडे है। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने फ्लोरिडा का रोड ट्रिप का एक ट्रैवल व्लॉग शेयर किया था, जिसमें हमने रूट A1A और उसकी सीनिक ब्यूटी और सेंट ऑगस्टिन ये सब चीज़ें जो है कवर की थी। तो मैंने उस व्लॉग में कहा था कि हम जो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जो व्लॉग की जर्नी है वहीं से शुरू करेंगे। तो आज हम लोग फिर से सेंट ऑगस्टिन जा रहे हैं ड्राइव करते हुए, और फिर से वो जो रूट हमने जहाँ पर स्टॉप किया था का जो है डिस्टेंस वो हम कवर करेंगे। अगर आप में से ना कुछ लोगों ने वो व्लॉग मिस कर दिया है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और कमेंट में भी डाल दूंगी। उस कमेंट को मैं ऊपर पिन कर दूंगी सो दैट आप देख सको, क्योंकि अगर पुराना व्लॉग देख लिया होगा तो आज के व्लॉग में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और समझ में भी आएगा कि आगे मतलब क्या होने वाला है या क्या चीज़ मैं शो करना चाह रही हूँ, और थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ भी कर दूंगी। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। और फ्लोरिडा जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा स्टेट है US का, तो हम बस चाह रहे हैं कि स्टेट को एक्सप्लोर करें। इस मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा हो रखा है। मैं अपना कैमरा रोटेट करके दिखाती हूँ। अभी भी सुबह के टाइम में हल्की फुल्की बारिश हुई है और हल्का हल्का ठंडा है, ना गर्मी ना ठंडी, मतलब एक हुडी पहन लो उतना सफिशिएंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रोड के सीनिक रूट्स को फॉलो करते हुए और चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। सो गाइस, आज की हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है हमारे घर से, और हाईवे लेते हुए हम लोग सीधे जा रहे हैं सेंट ऑगस्टिन। तो मैंने अपने पुराने जो रोड ट्रिप वाला व्लॉग था उसमें बताया ही था कि सेंट ऑगस्टिन अमेरिका का सबसे ओल्डेस्ट सिटी है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1565 में। ये नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा में है। पुष्पेंद्र को हमेशा से ही ना रोड ट्रिप्स और ट्रैवल के प्लान्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और पुष्पेंद्र भले ही आपको व्लॉग में बहुत ज़्यादा बोलते हुए नहीं दिखते हो, बट आपने देखा है कि बैकग्राउंड में वो कितने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ओके गाइस, सो हम लोग पहुंच गए हैं सेंट ऑगस्टिन, और पिछली बार जब मैं रोड ट्रिप में ये शेयर कर रही थी सेंट ऑगस्टिन, हम लोग काफ़ी शाम को पहुंचे थे, हल्का सा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था, तो शायद आपको इतना क्लियर नहीं दिखा होगा, लेकिन अभी डे टाइम है फुल और अभी हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं। और अगर मैं किसी स्टोर में विज़िट करती हूँ जहाँ पर कॉफ़ी टी मग्स वगैरह का कलेक्शन होता है तो मैं ज़रूर एक नज़र मारती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं स्टारबक्स में कॉफ़ी मग्स, टी मग्स और ये बॉटल्स वगैरह देख रही थी। सेंट ऑगस्टिन की ये ओल्डेस्ट सिटी है अमेरिका का। तो हमने जो पुराने व्लॉग में जर्नी थी वो यहीं पे स्टॉप की थी, और आज यहीं से शुरू करेंगे रूट A1A फिर से। और ये सेम प्लेस है जहां हम उस दिन आए थे। चर्च है यहां पर, आपको चर्च की बेल सुनाई दे रही होगी। और यहां पर फार्मर्स मार्केट है जो मैंने दिखाया था उस तरफ। हम लोग बस थोड़ा सा और देख रहे हैं और फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो सेम स्टारबक्स था वहाँ से कॉफ़ी वॉफ़ी ले ली है। हल्का सा ठंडा सा मौसम है आज। पीछे
पीछे आप देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट है रूट A1A और हम लोग आज यहीं से फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने रूट A1A का काफ़ी सारा सिग्निफिकेंस आपको पुराने वाले व्लॉग में बताया था। अगर आप लोगों में से कई लोगों ने वो व्लॉग मिस कर दिया है तो मैं जस्ट सिंपली ब्रीफ कर देती हूँ। रूट A1A फ्लोरिडा का वन ऑफ़ द बिगेस्ट कोस्टल हाईवेज में से एक है, वन ऑफ़ द लॉन्गेस्ट, और ये सीधे 600 टू 700 माइल्स लंबा है जो की वेस्ट की तरफ मायामी होते हुए निकलता है। तो अभी कॉफ़ी वगैरह हो गई है और चलिए अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है इसलिए हम लोग जल्दी से अपनी कार में जा रहे हैं, नहीं तो सोच रहे थे थोड़ा और इधर उधर घूमते हैं। एंड गाइज, आप लोगों को मैं क्विकली ब्रीफ करना चाहूँगी। अभी हम लोग रूट A1A सीनिक हिस्टोरिकल कोस्टल हाईवे जो है इसके थ्रू होते हुए जा रहे हैं। ये काफ़ी सारे स्टेट पार्क्स, नेशनल मॉन्यूमेंट्स, स्टनिंग बीचेस, बोटिंग, फिशिंग, नेचुरल ट्रेल्स, काफ़ी सारी चीज़ों को ये कनेक्ट करता है। और जैसे जैसे आप ड्राइव करते जाओगे आपको बहुत सारे बीचेस मिलेंगे। अभी हम लोग हाईवे पे चलते चलते बीच में एक जगह रुके हैं, लोकल सा टाउन सा ही है तो यहाँ पे बीच का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है तो हम लोग भी चलते हैं। और सामने है अटलांटिक ओशियन। सो ये एक अनगार्डेड बीच है, वार्निंग लिखी हुई है, विजिबल एंड सबमर्ज डेंजर्स, करेंट्स भी हैं तो हम लोग काफ़ी दूर से ही देखेंगे, पास उतर के नहीं जाने वाले हैं। ओह माय गॉड, कितना अच्छा लग रहा है। वाओ, नीचे नहीं जाना है सिया। सो आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ये है अटलांटिक ओशियन और बहुत तेज वाटर करेंट है इसलिए हम लोग इधर नीचे नहीं जा रहे हैं कि अचानक से तेज पानी ना आ जाए। बट ठंडी हवा लग रही है एकदम। और सो हम लोग अभी बीच से बस जाते हैं अपनी कार में और आज ठंडा मौसम है ना तो एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सिया और भूमि की मैं जैकेट लेकर आई हूँ लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए निकले थे इसलिए पहना ही नहीं, अगर ज़्यादा देर के लिए बाहर रहेंगे तो जैकेट डाल दूंगी, अभी हुडी पहना के ही ले गए थे। सो जैसे आपने देखा व्लॉग में हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर लिया है एंड इट इज़ द टाइम फॉर लंच नाउ। तो हम लोगों ने सर्च किया नियर बाई कोई रेस्टोरेंट हो, वैसे तो हमें कोई लोकल फूड ट्राई करना था लेकिन सी और भूमि कुछ नई चीज़ें उनके सामने रखो वो नहीं खाते हैं तो हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट ही सर्च किया और हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो आज का लंच देखते हैं एक नए इंडियन रेस्टोरेंट में। सो रोड ट्रिप फॉलो करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं डेटोना बीच सिटी और यहाँ पर है ब्यूटीफुल सा डेटोना बीच जो काफ़ी फेमस है। और $20 फ़ी जमा की है, उसके बाद हम अपनी कार को सीधे शोर पे ड्राइव करने के लिए लेके जा सकते हैं। तो डेजिग्नेटेड एरियाज़ में ड्राइविंग अलाउड है और इस बीच की जो सैंड है ये हार्ड पैक्ड सैंड है इसलिए यहाँ पर ड्राइविंग ईजिली करी जा सकती है एट 10 miles per hour पे। और जो भी इंस्ट्रक्शंस और जो बोर्ड्स हैं, सिग्नल्स हैं, वो सब फॉलो करने हैं, पेडेस्ट्रियंस जो हैं उनका ध्यान देना है। और अब हम इंजॉय करते हैं। तो हमारे साइड में है अटलांटिक ओशियन और यहाँ पर कर रहे हैं हम ड्राइव। यहाँ पर कितनी सारी सीगल्स हैं और जब ये उड़ रही हैं ना इनका व्यू इतना अच्छा आ रहा है। आगे जाओ
सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा डेटोना बीच का, और अब हम लोग निकल गए हैं अपने घर के लिए। तो आज का ये जो सीनिक रूट A1A हमने फॉलो किया ये इतना था, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब हम कवर करेंगे तो होपफुली शायद मायामी तक होगा। अभी शाम के अराउंड 5 बज गए हैं और हम लोग घर पहुंच गए हैं, और आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी एक्सप्लोर की। सो इट वाज रियली अ वेरी नाइस जर्नी टुडे। सो चलिए अभी चलते हैं, और शाम का टाइम है तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ चाय वगैरह बनाऊँगी। सो लेट्स गो। सो घर आने के बाद पहले सोच रही थी कि चाय बनाऊं, लेकिन काफ़ी हैवी सा फील हो रहा था। लंच काफ़ी अच्छे से हो गया था, बफे था वहाँ पर, तो चाय नहीं बना रही हूँ और सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर रही हूँ, थोड़े कमेंट्स के रिप्लाई किए और थोड़ी बहुत मैंने एडिटिंग स्टार्ट की। और मेरा और पुष्पेंद्र का आज डिनर नहीं होगा क्योंकि हम लोग काफ़ी मतलब अभी मन नहीं है कुछ खाने का। तो मैंने सिया और भूमि से पूछा तो वो लोग कह रहे पैनकेक बना दो, तो मैं यहाँ पर क्विकली पैनकेक बना देती हूँ और दूध के साथ उन्हें सर्व करूँगी, क्योंकि अभी मैं सब्ज़ी रोटी सब कुछ बनाऊँगी, मुझे लग नहीं रहा कि वो लोग ज़्यादा कुछ खाएंगी। तो यही था हमारा व्लॉग ये गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अप्रिशिएटिंग द वीडियोज़। बाय एवरी वन, टेक केयर।